हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। और आज मैं जा रही हूँ उबले हुए चने का कुछ अच्छा सा डिश बनाने, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी चने लिए हैं, उबले हुए हैं, इसको मैंने उबाल लिए थे। और हींग है, चुटकी भर मैं हींग डालूँगी। दो टमाटर मैं ली हुई हूँ, जिसे मैं कट करूँगी। ग्रीन चिली जो है, जीरा पाउडर है, जीरा मैंने लिए हैं। तो चलिए प्याज को, टमाटर को मैं कट कर, बिना लहसुन प्याज का मैं नवरात्रि स्पेशल बना रही हूँ डिश, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसे कट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिए हैं, इसे मैंने गर्म कर लिया है। इसमें एक चम्मच के लगभग मैंने घी डाले हैं, तो मैं गर्म कर लूँगी। इस तरह से आप भी गर्म कर ले, और उसके बाद में इसमें आप जीरा ऐड कर ले, आप देख सकते हैं। और मिर्च पाउडर है, इसे मैं इसमें डाल करके मिक्स करूँगी। दोनों को अच्छे से चलाएँ। उसके बाद में आप थोड़ा सा एक रख दें। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, डाल दें। हींग से बहुत ही अच्छी फ्लेवर है नवरात्र में खाने वाली अच्छी, फिर जो कन्याओं को खिलाया जाता है, स्पेशल ले हुए काले चने की, ये जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। तो आप देख सकते हैं, अब इसमें मैं टमाटर जो है ऐड कर दें। आप धनिया के पत्ते को भी ऐड कर सकते हैं, सजाने के लिए काम में ला सकते हैं। इस तरह से चलाएँ, और आप देख सकते हैं कि हल्के से जो है इसमें आप सिंधा नमक यूज करें, क्योंकि ये व्रत के लिए है। व्रत में अक्सर लोग सिंधा नमक यूज करते हैं, खाते ही हैं, और रात का में स्पेशल ही जाता है। इस तरह से अब आप इसमें हल्के से, आप देख सकते हैं टमाटर पक चुके हैं, मैंने बाउल में जो चने उबाले थे उसे डाल दी थी। तो इस तरह से डाल करके उसको दो मिनट के लिए पकाइए। उसके बाद में सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा सब मसाला ऐड कर ले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। और थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर डाल दें इसमें। नमक मैंने नहीं करी, मैंने मिर्ची पाउडर नहीं ऐड किया, क्योंकि ये जो हरी मिर्ची है वो बहुत ही टेस्टी होती है। और छोटे बच्चों को खिलाना है, मैं यहाँ से खिलाने के लिए मैं बना रही हूँ। जैसे आप नवरात्र में आप इस तरह से बनाए, कन्याओं को खिलाए, कितनी मिनट के लिए पकाए, उसको मैं आपको सर्व करते हुए दिखाती हूँ टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन चुके हैं। मैंने इन्हें प्लेट में निकाले, सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से आप लोग भी अपने बच्चों को और फैमिली को खिलाएं, और कैसा बना रेसिपी उसे शेयर करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।